उत्तरकाशी जिले में हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार 500 बेड का अस्पताल तैयार कर रही है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां उत्तरकाशी जिला अस्पताल सहित तमाम तहसीलों में 6 महीने से हड्डी के डॉक्टर ना होने से मरीजों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा समय पर डॉक्टर नहीं मिलने पर मरीजों को देहरादून रेफर करना पड़ रहा है। इसी को लेकर रेड क्रॉस अध्यक्ष माधव प्रसाद जोशी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जिला अस्पताल में डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। वहीं CMS प्रेम सिंह पोखरियाल का कहना है कि शासन को डॉक्टरों की कमी को लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आखिर कब तक संघर्ष करना पड़ेगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कि हमारे पास जो है ये हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक जनरल सर्जन जो है 1 महीने से जो है अनुपस्थित चल रहे हैं, और उनका जो है आगे डॉक्टर शशांक रमल यहाँ आए थे, उनका जो है हायर एजुकेशन में जो है अनुसेज कर रहे हैं, उनसे बात करने पता चला। तो इससे जो है हड्डी के मरीजों को दिक्कत तो हो ही रही है। हम ही और डॉक्टर मिलजुल के जो है जितना हमसे हो पा रहा है उनका इलाज कर रहे हैं, और जो क्रॉनिक जो ट्रॉमा के केस हैं उनको जो है देहरादून हायर सेंटर में मेडिकल कॉलेज में रेफर करना होता है। सर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अगर प्लीज? हमने जो है इसके बारे में महानिदेशालय को भी सूचना भेज दी है डॉक्टर के बारे में, और उनसे जो है मांग की है कि जल्द से जल्द जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जनरल सर्जन और भी जो हमारे जो है डॉक्टर के अन्य पद रहते हैं